इसमें देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी फोर्स है स्पेशली अभी पाकिस्तान में जो अभी कंट्रोलेबल है, जिस तरह जो हमारी वेव जा रही है ना पॉलिटिक्स में, जिस तरह उसमें हमें जो नज़र आ रहा है कि अभी लोग नहीं रुकने वाले, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से लिंक्ड है ताकि सोशल मीडिया को किसी तरह हम रोक सकें। जो लोग इसके पीछे US में तो बहुत ज़्यादा ये पब्लिकली स्पीचेस होती हैं, उधर इलेक्शंस जब आते हैं तो इस तरह जेलों में लोगों को नहीं डालते। अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है और पूरी दुनिया एक्चुअली दे आर लाफिंग एट अस, यू नो, हमारा जो इमेज अभी गिर रहा है। तो इंग्लैंड और USA में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जेल में आप अपने अपोनेंट्स को डाल दें, डिसअपीयरेंसेस हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो। इस रूल ऑफ लॉ के ना होने की वजह से हम इस हाल में अब जो अरेस्ट्स हो रहे हैं लोगों के, जो फॉल्स FIRs हो रही हैं, कहाँ हैं उनकी रिपोर्ट्स और कहाँ है उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी डेडिकेशन टू इम्प्रूव द कंट्री, और वो जो कायदे आज़म की सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी, उसको उस पर वापस लाने का वो उनका एक नज़र आता है हमें नज़रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हदीतल चौधरी और आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं वो PhD स्कॉलर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और रिसर्च के लिए पाकिस्तान आई हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर जो गिरफ्त है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनसे हम डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे स्टूडियो में आ पाई। अच्छा पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया आज जो है ना वो नीड ऑफ टाइम है, पूरी दुनिया में इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। अमेरिका में जब बराक ओबामा ने अपने इलेक्शन कम्पेन की तो तब उन्होंने फेसबुक का सहारा लिया और अपनी फेस कम्पेन को रन किया, और पाकिस्तान में अब इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है इतने यानी कि पूरे 15 सालों बाद। तो अब इसके ऊपर कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस को बदनाम भी किया जा रहा है और कुछ पार्टीज़ को बड़ा प्रिविलेज भी दी जा रही है, तो UK में क्या ऐसा होता है, क्या इसको वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह वहाँ पे होता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है? नहीं देखिए इसमें थैंक यू सो मच और अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इसमें देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी फोर्स है स्पेशली अभी पाकिस्तान में जो अभी अनकंट्रोलेबल है, जिस तरह जो हमारी वेव जा रही है ना पॉलिटिक्स में, जिस तरह उसमें हमें जो नज़र आ रहा है कि अभी लोग नहीं रुकने वाले। और इंग्लैंड की अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट, बहुत फ़र्क है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो भी एक दौर से गुजरी हैं, उनके भी सिविलाइजेशनल चैलेंजेस रहे हैं। तो एक टाइम पे वहाँ पे भी बहुत प्रोटेस्ट, बहुत रैलीज़ और देयर वर वॉर्स, लेकिन अब वो स्टेज पर आए हैं कि यस, इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल या रोका नहीं जा सकता। तो इंग्लैंड में ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होती। अब यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, ये हमारी जो पेमरा ने उनकी स्पीच पेमरान खान की स्पीच पर बैन लगा दिया ये, और फिर उठा दिया फिर लिफ्ट कर दिया। इसमें जो इतने ज़्यादा, और अभी फिर जो सोशल मीडिया को लेके जो लोग हैं, अज़हर मशवानी जिनको डिसअपेयर हो गए, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से लिंक्ड है ताकि सोशल मीडिया को किसी तरह हम रोक सकें। जो लोग इसके पीछे हैं उनको किस तरह उनको बंद करें जेलों में, उनको ये जो आवाज़ अभी आवाम की आ रही है इसको हम किस तरह रोकें। लेकिन असल में मुझे सोशल मीडिया एज़ अ प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली इट्स एक्सेप्टेड, और मुझे नहीं लगता कि ये रोका जा सकता है ये अभी, और स्पेशली इस वक्त पे जहाँ पाकिस्तान एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट में है और जो हालात हैं। अच्छा मैम क्या UK में भी ऐसा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब ओपोजिशन में आती है तो गवर्नमेंट पार्टी जो है उसको विक्टिमाइज करे, उनके वर्कर्स को यानी कि फोर्सफुली जो है वो बिहाइंड द बार करे, जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त ओपोजिशन जो पार्टी है PTI उसके साथ किया जा रहा है? इज इट पॉसिबल कि UK और US में भी ऐसा हो? वहाँ पे एक जब पॉलिटिकल पार्टीज दे अपोज, वो अपनी स्पीचेस करती हैं, अपनी दे हैव देयर अपना एक उनका पूरा मिशन होता है। वो US में तो बहुत ज़्यादा ये पब्लिकली स्पीचेस होती हैं पॉलिटिशियंस की, और एक कॉन्टेस्ट होता है, एक ओपन कॉन्टेस्ट होता है, हेल्दी कॉन्टेस्ट होता है। उधर इलेक्शंस जब आते हैं तो इस तरह जेलों में लोगों को नहीं डालते। अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है और पूरी दुनिया एक्चुअली दे आर लाफिंग एट अस, हमारा जो इमेज अभी गिर रहा है इंटरनेशनली कि हम एक पावर गेम, एक पावर डायनामिक्स चल रही है, एंड रियली इट इज़ डर्टी पॉलिटिक्स राइट नाउ आई वुड से, कि जो हो रहा है। तो इंग्लैंड और USA में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जेल में आप अपने अपोनेंट्स को डाल दें, डिसअपीयरेंसेस हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बैन हो, तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी
ये कहूँगी कि उनके भी अपने स्ट्रगल्स रहे हैं तो वो इस स्टेज पे जाके पहुँचे, तो हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस जद्दोजहद से यू नो गुजर के ही हम एक उस सिविलाइज्ड स्टेट में आए। मैम, डू यू थिंक आर जुडिशरी इज फ्री एज लाइक यूएसए और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज, अदर वेस्टर्न कंट्रीज? नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट। हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो यहाँ पे पाकिस्तान में अभी इस रूल ऑफ लॉ के ना होने की वजह से हम इस हाल में हैं। अब यू नो जो अरेस्ट्स हो रहे हैं लोगों के, जो फॉल्स एफआईआर्स हो रही हैं, कहाँ हैं उनकी रिपोर्ट्स और कहाँ हैं उनकी यू नो इन्वेस्टिगेशंस? जो रूल ऑफ लॉ का हमारा जो अभी यू नो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट पर देख रही थी इसी साल जो रिलीज हुई है, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग है 129 out of 140 जी। तो और ये पिछले साल में दो पोजीशंस में हम गिरे भी हैं, तो रूल ऑफ लॉ ना हो, और यही तो यू नो इमरान खान और पीटीआई यही तो दे आर फाइटिंग फॉर दिस कि हम किस तरह रूल ऑफ लॉ लाएं। अगर आप रूल ऑफ लॉ ले आए ना एक कंट्री में, तो जितनी मर्जी पॉवर्टी हो वो सिस्टम के थ्रू लोग ऊपर जाते हैं। रूल ऑफ लॉ की अगर मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बताऊं, जब अमेरिका इजाद नहीं हुआ था और वो फिर कॉलोनी बना और अब वो आज़ाद नहीं हुआ था, तो तब पूरी दुनिया में, यूरोप में और अफ्रीका में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ये मशहूर था कि दुनिया में एक मुल्क है हिंदुस्तान और वहाँ का बादशाह है जहांगीर, जिसका अदल पूरी दुनिया में मशहूर है। दिस वॉज आवर हिस्ट्री। अच्छा मैम, वन पर्सन क्वेश्चन और उसके बाद फिर नेक्स्ट चलता हूँ। डू यू लाइक इमरान खान? आई एब्सोल्युटली डू। आई मीन अगर हम देखें लीडर्स जो हैं अभी, वही एक हैं जो सच की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री को इस यू नो एक क्राइसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल क्राइसिस से निकालने की बात कर रहे हैं। सो आई रियली एडमायर इमरान खान फॉर हिज ब्रेवरी, ऑनेस्टी एंड करेज टू फाइट द सिस्टम एंड टू फाइट द करप्ट स्टेटस क्वो दैट वी हैव। आई गेस जैसे ही आपने बोला ना एब्सोल्युटली नॉट, आई वॉज थिंकिंग डैट यू लाइक इमरान खान। आई थिंक सो। वन क्वेश्चन देन आई विल हैव वन मोर फर्दर क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक इज पॉलिटिकल, इज पीटीआई द ओनली पॉलिटिकल पार्टी हु विल सेव और सेव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और विल ब्राइटन द इमेज ऑफ पाकिस्तान आउटसाइड द पाकिस्तान? इट्स नॉट जस्ट कि इट्स जस्ट पी टी आई, इट्स यू नो पार्टी भी लोगों से बनती है और जो लोग हैं पी टी आई के, स्पेशली द लीडर इमरान खान, उनसे एक उनकी डेडिकेशन टू इम्प्रूव द कंट्री और वो जो कायदे आज़म की सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी, उसको उस पर वापस लाने का वो उनका एक नज़र आता है हमें नज़रिया। जो दूसरी पार्टीज हैं, अगर उनके लोग ठीक हो जाएँ तो फिर वो भी पार्टीज ठीक हैं। मतलब यू नो पी 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 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कितनी अपनी लेगेसी छोड़ी, उनको कितना एहसास था गरीब लोगों का और कितना ही फॉट फॉर देम। सो यू नो ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी, उनके जो लोग अगर अपनी सोच ठीक कर लें तो यू नो जो सच बोलते हैं वो लोग उनको फॉलो करते हैं। तो अगर वो भी सच बोलना शुरू कर दें, यू नो करप्शन और ये जो सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लोगों को नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, अपने ईगोस की। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो पर हम फिर कभी बात करेंगे और लंबी डिस्कशन करेंगे। मेरा एक लाफी नोट है आपकी इस बात के ऊपर। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप ट्रैवल भी करते हैं इतना अरसा, आप यूके में भी रहे, तो वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा इमेज उनके उनके माइंड में क्या है कि पाकिस्तानी नेशन कैसी है? आपने तो ऑब्जर्व किया होगा ना फेस टू फेस लोगों से। जी देखिए, वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी को इमरान खान की अप्रोच बहुत ही अच्छी लगती है कि वो अब यू नो एक ट्रांसपेरेंट लीडर हैं, उनका एक विजन है, अकाउंटेबल हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स शुरू किए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, उनको वोट देने के, उनको यू नो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। लेकिन पाकिस्तान का इमेज अभी जो आजकल लोगों की यू नो एक व्यू है, वो एक इट्स वन ऑफ आई वुड से यू नो बहुत ही उसमें अफसोस है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और बहुत लोग परेशान हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इट्स अगेन इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट, या तो हम इसको, ये जो हो रहा है इसमें अगर हम इससे निकल पाएंगे अदलिया के थ्रू, या फिर हम सिंक करेंगे, और अगर हम सिंक करेंगे, अगर इलेक्शंस ना हुए 90 डेज में, तो फिर कुछ भी हो सकता है कंट्री में। और पाकिस्तानीज ओवरसीज ये सब देख रहे हैं और विटनेस कर रहे हैं और दे आर एक्सट्रीमली वरीड, इट्स अ वरीसम सिचुएशन। जी डॉक्टर साहिबा, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन 90 दिनों नहीं होते तो पाकिस्तान डूब भी सकता है, और अगर हो जाते हैं तो पाकिस्तान दोबारा से अपनी मईशत बहाल करके आगे भी निकल सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब की बातों से लग ये रहा था कि वो यूरोप को छोड़ के पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पे रहना चाह रही हैं और पीटीआई को ज्वाइन करना चाह रही हैं। तारीख में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट आए हैं,
उनके साथ हमारे मुल्क और कौम ने क्या किया, ये मेरे ख्याल से उसके ऊपर इनको दोबारा से रिसर्च करनी चाहिए और उस चीज़ को मद्देनजर रख के कश्तियाँ जलानी चाहिए और फिर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एंटर होना चाहिए। और मैं अभी पेशनगोई भी कर दूँ कि मेरे ख्याल से ये PTI को ज्वाइन करेगी, क्योंकि इनकी बातों से जो इमरान खान का जो इमेज है वो पॉजिटिव झलक रहा है और मोहब्बत भी नज़र आ रही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।